हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग का सेशन लेकर आया हूँ, आईबीपीएस पीओ प्री 2018 मंथ बेस्ड पजल। तो आज इस सेशन में हम एक सवाल मंथ बेस्ड पजल से लेंगे। लेवल रहेगा इजी टू मीडियम और आईबीपीएस पीओ प्री के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ प्री के कुछ सेशंस में रीजनिंग के स्पेशली ऑन पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट बना चुका हूं। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आईबीपीएस पीओ प्री 2018 पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट भी तैयार की है, जहां पे सभी जो रेलेवेंट वीडियोस हैं आपके पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का फॉर आईबीपीएस पीओ प्री 2018 आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन पे आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, मंथ बेस्ड पजल से एक सवाल आज हम डिस्कस करेंगे। लेवल रहेगा इजी टू मीडियम। तो सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे, क्या दिया गया है। एट फ्रेंड्स क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड अटेंडेड एनुअल मीटिंग इन द मंथ्स ऑफ जनवरी अगस्त सितंबर एंड नवंबर। तो 4 महीने हैं, 4 महीने में 8 फ्रेंड्स ने मीटिंग अटेंड की। इन ईच मंथ द मीटिंग विल बी कंडक्टेड ऑन आइदर 8th और 15th ऑफ द मंथ। और हर महीने में 2 तारीख, 2 डेट्स आपको दी गई है जिस दिन मीटिंग कंडक्ट की गई है। चलिए देख लेते हैं। तो पहले एक अरेंजमेंट बना लेते हैं छोटा सा। 4 महीने, जैन, देन अगस्त, देन सितंबर, देन फाइनली नवंबर। चलिए, और 2 डेट्स आपको दी गई है। कौन कौन सी है वो 2 डेट्स, कौन कौन सी 2 डेट्स आपको दी गई है। 2 डेट्स है आपकी, एक तो है 8th और दूसरी है 15th। चलिए, और 8 फ्रेंड्स हैं आपके जो नाम लिखे गए हैं ऊपर। अब पहली इंफॉर्मेशन देखेंगे, आर अटेंडेड द मीटिंग ऑन 15th ऑफ द मंथ विच हैज ओनली 30 डेज। आर ने 15th को अटेंड की मीटिंग, पर उस महीने में जिसमें 30 डेज होते हैं। तो महीने लिख लेते हैं एक बार आगे क्या क्या रहेंगे। जनवरी में 31 होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर में 30 रहते हैं और नवंबर में भी 30 रहते हैं। तो आर 15th को है और 30 वाले डेज वाले मंथ में होगा, मतलब या तो सितंबर में होगा या फिर नवंबर में होगा। तो 2 केस बन जाएंगे। पहला केस रखते हैं जिसके अंदर सितंबर में रहेगा और 15th को है, तो 15th के सामने लिख दिए। और दूसरा केस एक और तैयार कर लेते हैं, जैन, अगस्त, सितंबर और फाइनली आपका नवंबर। पूरी अरेंजमेंट उसी तरीके से बनाएंगे जल्दी से। 2 डेट्स है आपके पास, 8th और 15th। अब सितंबर में सेट कर दिया है पहले केस में, दूसरे केस में नवंबर पे सेट कर देते हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आगे बढ़ेंगे। इसको दे देते हैं केस 1 का नाम, इसको दे देते हैं केस 2 का नाम। चलिए आगे देखते हैं। ओनली 3 फ्रेंड्स हैव अटेंडेड मीटिंग बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच में 3 ही फ्रेंड्स ने मीटिंग अटेंड की है। तो सबसे पहले केस 1 में देख लेते हैं। आगे तो जगह बचती नहीं इतनी, क्योंकि आगे 2 ही प्लेसेस बचे और 3 तो जने ही बिठाने हैं आर और एस के बीच में। तो नहीं, आगे जगह नहीं बचेगी। पीछे की तरफ देखते हैं, 1, 2, 3, तो एस हो जाएगा आपका यहाँ पे से। चलिए अब सेकेंड केस में देख लेते हैं। सेकेंड में भी वही सेम कहानी, एकदम आखिरी में सेट हो रहा है तो और आगे तो जा नहीं पाएंगे। पीछे देखते हैं, 1, 2, 3, एस हो जाएगा यहाँ पे 15th अगस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो वन इज अटेंडेड द मीटिंग बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच में किसी ने मीटिंग अटेंड नहीं की। और क्यू के बारे में आगे क्या बताया गया, क्यू डिड नॉट अटेंड द मीटिंग इन अगस्त। अगस्त में मीटिंग अटेंड क्यू नहीं करेगा और क्यू और एस के बीच में कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक तो आगे का केस बनता है, पर उसके कारण क्यू अगस्त में आ जाएगा जो मना किया गया, तो पीछे की तरफ ही बैठेगा, मतलब इससे पहले वाले पे। क्यू यहाँ सेट हो गया। केस 2 में देख लेते हैं। क्लियरली बोला गया था कि अगस्त में नहीं बैठेगा तो नेक्स्ट वाले पार्ट में बैठ जाएगा, कहां पे, सितंबर में। चलिए सिट करा दिया, अब आगे देखते हैं। ओनली 2 फ्रेंड्स हैव मीटिंग बिटवीन मीटिंग ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू। क्यू और डब्ल्यू के बीच में 2 पर्संस की मीटिंग है या 2 फ्रेंड्स की मीटिंग है। तो सेट कर देते केस 1 में 1, 2, W हो जाएगा यहाँ पे सेट, इसमें 1, 2, W हो जाएगा यहाँ सेट। अब आगे सेट करेंगे तो R की पोजीशन पे आना चाहिए W, जो पॉसिबल नहीं क्योंकि R पहले से सेट हो रखा है यहाँ पर। तो 1, 2, W आ जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। बोथ X एंड Z अटेंडेड द मीटिंग ऑन सेम डेट। X और Z ने, दोनों ने सेम डेट पे मीटिंग अटेंड की थी। X हैज अटेंडेड द मीटिंग बिफोर Z। X have attended the meeting
बिफोर दैट बट नॉट इन सेप्टेंबर, सेप्टेंबर में नहीं रहेगा, पर एक्स ने जेड से पहले मीटिंग अटेंड की थी। इसके अलावा और कुछ था कि इससे पहले हमने ये इन्फॉर्मेशन मिस कर दी थी, तो एक बार पहले इसको अटेंड कर लेते हैं। टी अटेंडेड द मीटिंग ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर डब्ल्यू, टी ने डब्ल्यू से पहले की थी, तो डब्ल्यू से पहले सिर्फ ये जगह बसती है तो टी यहाँ पे सेट हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू से पहले सिर्फ ये जगह बसती है तो टी यहाँ सेट हो गया। अब ये देख लेते हैं, एक्स और जेड ने सेम डेट पे किए, मतलब 15th पे तो आ नहीं सकते क्योंकि 15th पे दो जगह बसती नहीं इसमें, तो 8th पे ही आएगा। चलिए, और क्या बोला गया, एक्स जेड से पहले आ गया, एक्स जेड से पहले आ गया। अब आगे क्या बोला था, बट नॉट इन सेप्टेम्बर, पर सेप्टेम्बर के अंदर एक्स नहीं हो सकता है, पर यहाँ पे तो सेप्टेम्बर में ही सेट हो सकता है और कहीं पे जगह बचती नहीं, तो इसका मतलब आपका केस वन तो एलिमिनेट सीधा सीधा हो जाता है। अब केस टू में देख लेते हैं, एक्स यहाँ सेट हो जाएगा, जेड यहाँ सेट हो जाएगा, और एक्स जेड से पहले, और एक्स सेप्टेम्बर में भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें एक जगह बची है, एक ही पर्सन कौन सा, वाई, तो वाई को यहाँ सेट कर दीजिए, आपकी अरेंजमेंट रेडी है पूरी की। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इजी टू मीडियम लेवल का था, आराम से आपको केस बनाना था बिना रुके, एकदम कंटिन्यूस फॉर्म में आप करते जाइए, जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, इंटरप्रिटेट करके जो जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग ही सीटिंग अरेंजमेंट आगे आप बनाते रहेंगे, तो पूरा का पूरा आराम से कंप्लीट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर इसमें, आराम से सॉल्व हो पाया दोनों केस में। फाइनली फर्स्ट केस जो था आपका एलिमिनेट हो गया फाइनल इन्फॉर्मेशन के साथ, फाइनल इन्फॉर्मेशन के साथ पहला केस एलिमिनेट हो गया, और ट्रू केस हमारा कौन सा आ गया, केस नंबर टू। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, लेवल इजी टू मीडियम था, मंथ बेस्ड पजल था, आईबीपीएस पीयू प्री 2018 के लिए ये मैं सेशन लेकर आया था। जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी, और भी सेशंस मैं बना चुका हूं जो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, एक प्लेलिस्ट भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है जो आईबीपीएस पीयू प्री 2018 पजल्स एंड सीटिंग की रहेगी, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट की, क्योंकि आपको पता है पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, वेटेज काफी ज्यादा आ रहा है इस साल के जितने भी बैंक या इंश्योरेंस के एग्जाम्स हुए हैं उसमें, तो थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस देने की जरूरत है इन दोनों टॉपिक्स पे। आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो। अगर सेशन से रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगा। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।